अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनहित में किए जा रहे कामों की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि 66 लाख परिवारों में से करीब 52 लाख परिवार राज्य सरकार की किसी न किसी जनहितैषी योजना से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से तमाम रुकावटों के बावजूद छत्तीसगढ़ में जनहित के काम अपनी गति से जारी रखे गए हैं। वहीं समिति ने भूपेश सरकार की अब तक की उपलब्धियों की सराहना भी की। छत्तीसगढ़ के लिए AICC की घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक में पूर्व मंत्री जयराम रमेश, कांग्रेस संचार विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला, छत्तीसगढ़ के AICC के प्रभारी PL पूनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भाग लिया। इस बैठक में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी 3 वर्ष का भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है और वादों को पूरा करने के लिए जिस तरह से काम किया है, जिस तरीके से कर्ज माफी हुई है, किसानों को धान का 2500 रुपए दाम दिया जा रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, DMF जैसे क्षेत्रों में जो बुनियादी क्षेत्रों में सुधार हुए हैं, इन सारे कार्यों की सराहना की गई।